और ये तस्वीर आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन, जब उनको जेल से यहाँ पर रिहा कर दिया गया है वो तस्वीर आप देख रहे हैं। और आपको बता दें हाईकोर्ट की ओर से आदेश दिया गया था उनको जमानत का, और ऐसे में ये उनकी तस्वीर 31 जनवरी वो तारीख थी जब ईडी की ओर से उनको गिरफ्तार किया गया था और उन पर कई आरोप यहाँ पर लगाए गए थे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि हेमंत सोरेन को रिहा कर दिया गया है और ये जमानत की उनकी तस्वीर, जेल से बाहर आ गए हैं हेमंत सोरेन। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको पहुंचा रहे हैं, हेमंत सोरेन जेल से रिहा हो गए हैं, उनकी ही ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे थे। और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं हेमंत सोरेन, जिसके बाद उन्होंने पूरी जिम्मेदारी चंपई सोरेन को यहां पर सौंप दी थी जब वो जेल जाने वाले थे। गिरफ्तारी जब उनकी हुई थी उससे पहले पहले उनने अपनी पूरी जिम्मेदारी, पूरा दारोमदार यहां पर चंपई सोरेन को सौंप दिया था। लेकिन ये तस्वीर आज की बेहद अहम, झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई, झारखंड की राजनीति से जुड़ी हुई भी बेहद अहम है, जहां पर हेमंत सोरेन जेल से रिहा कर दिए गए हैं, उनकी तस्वीर और उनके साथ उनकी जो पत्नी है वो भी मौजूद है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के जरिए जो आप तक पहुंच रही है, हेमंत सोरेन को जेल से रिहा कर दिया गया है, हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि उनके तमाम समर्थक लगातार चाह रहे थे, जीएमएम के तमाम समर्थक लगातार चाह रहे थे कि वो जल्द से जल्द जेल से बाहर आए, क्योंकि पार्टी का जितना भी दारोमदार था, जितनी भी जिम्मेदारी थी, अब तक हेमंत सोरेन के कंधों पर ही थी। लेकिन जब वो जेल गए उसके बाद उन पर जो पार्टी है, पार्टी के अंदर ही कई तरीके की बातें होने लगी कि आखिर अब जिम्मेदारी कौन संभालेगा, लेकिन चंपई सोरेन को जिम्मेदारी देकर यहां पर जाते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और रांची से इस वक्त हमारे संवाददाता दिवाकर तिवारी भी जुड़ रहे हैं। दिवाकर, और क्या जानकारी, बड़ी खबर है इस वक्त की, हेमंत सोरेन रिहा कर दिए गए हैं, तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये तस्वीरें आपको साफ तौर पर दिख रही है, हेमंत सोरेन होटवार जेल से बाहर निकले हैं और जो प्रक्रियाएं चल रही थी उसमें हाई कोर्ट ने पहले जमानत दी और जमानत के बाद जो है बेल बॉन्ड भरने के लिए उनके भाई और जो है जेएमएम के नेता विनोद पांडे जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पहुंचे। पीएमएलए कोर्ट में बॉन्ड भरने के बाद जो है होटवार जेल प्रबंधन के साथ कम्युनिकेशन हुआ और अब देखिए हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकल गए हैं। तो आज जो है जल्दीबाजी दिखाई और काफी जो है तेजी से जेएमएम के नेता और जो उनके भाई हैं, मंत्री भी हैं सरकार में बसंत सोरेन, वो पीएमएलए कोर्ट पहुंचे और सबकी यही कोशिश थी कि हेमंत सोरेन को किसी भी हालत में आज ही जेल से बाहर निकाला जाए, क्योंकि आज जो है शुक्रवार का दिन है और अगला जो शनिवार और रविवार है वो तकनीकी तौर पे शायद हेमंत सोरेन बाहर ना निकल पाए और सोमवार को बाहर निकले। तो आज जो प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की गई और देखिए तस्वीरों में सीधे तौर पे हेमंत सोरेन बाहर निकले हैं और वो अपनी पत्नी के साथ जो है समर्थकों का अभिवादन किया है उन्होंने और अब गाड़ी में सवार होकर सीधे वो अब निकल रहे हैं शिबू सोरेन के आवास। शिबू सोरेन जो उनके पिता हैं, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनसे मिलेंगे और अपने पिता और अपनी माँ से आशीर्वाद लेंगे। फिर उसके बाद ये माना जा रहा है, जो खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन अपने आवास पहुंचेंगे और आवास में वो अपने नेताओं से, महागठबंधन के नेताओं से और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो अब देखने वाली बात है कि हेमंत सोरेन जो जेल से बाहर निकले हैं, 50,000 के मुचलके उन्होंने भरे हैं, दो बॉन्ड भरने के बाद जो है उन्हें जमानत मिली है। अब जो कॉपी आती है उस तफसील से जानकारी मिलेगी कि क्या हेमंत सोरेन को शर्तों के साथ जमानत मिली है, कितने दिन वो बाहर रहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने हैं कुछ ही महीनों के बाद और हेमंत सोरेन की पार्टी ये चाहती थी कि हेमंत सोरेन बाहर निकले, विधानसभा चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही है उसमें सीधे वो पार्टिसिपेट करें। और आप देखिए तस्वीरों के जरिए वो समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं, बेशक दिवाकर यहाँ पर तस्वीरों के जरिए अभिवादन स्वीकार करते हुए अपने तमाम समर्थकों का, आगामी विधानसभा चुनाव की भी तैयारियां यहाँ पर है, लेकिन नजर डालनी होगी उन शर्तों पर जो कोर्ट की ओर से जमानत को लेकर यहाँ पर रखी गई है, वो भी हम दिवाकर से यहाँ पर आगे जानेंगे जब उसकी पूरी कॉपी आ जाएगी, वो भी हम आपके सामने पढ़कर आपको जरूर सुनाएंगे कि वो शर्तें कौन कौन सी हैं जिनके आधार पर ये जमानत हेमंत सोरेन को यहाँ पर दी गई है। लेकिन दिवाकर, जेएमएम के जितने भी समर्थक थे वो भी इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द हेमंत सोरेन बाहर आए, क्योंकि अब तक जो सत्ता है वो इन्हीं की ओर से संभाली गई है, सोरेन परिवार की ओर से ही संभाली गई है। तो जब वो जेल के अंदर गए तो एक बड़ा झटका भी था उस वक्त समर्थकों के लिए और जेएमएम पार्टी के लिए। जी बिल्कुल, और लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले थे लेकिन उनके परिवार में, चूंकि उनके परिवार के सदस्य का निधन हुआ था और श्राद्ध कर्म में शामिल होने के लिए उनको जमानत मिली थी, बस मुश्किल से कुछ घंटों की जमानत थी। और उसके बाद जब वो जेल में दोबारा गए तो फिर उनके जो पार्टी के नेता हैं, कल्पना सोरेन हैं,
हेमंत सोरेन जो है अपनी जमानत याचिका के लिए हाई कोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की कई दिनों तक दलील चलती रही। 13 जून को दोनों पक्षों की दलील जो है पूरी हुई, ईडी पक्ष की तरफ से दलील हुई, फिर उसके बाद जो है हेमंत सोरेन के तरफ से जो है वकीलों ने दलील रखी, उसके बाद ये तय हुआ कि फैसला सुरक्षित रखा गया। और आज जब हाई कोर्ट से जमानत मिली है तो आज बड़ी तेजी दिखाई, जेएमएम के जो नेता हैं या कल्पना सोरेन है उन्होंने तेजी दिखाई, बसंत सोरेन बाहर निकले और उन्होंने सीधे जो है पीएमएलए कोर्ट का रुख किया। पीएमएलए कोर्ट में बॉन्ड भरी गई, जो शर्त है बॉन्ड भरने की उसको पूरा किया गया, फिर उसके बाद जो है जेल प्रबंधन के साथ कम्युनिकेशन हुआ और जेल प्रबंधन से दिवाकर शर्तों को लेकर क्या कोई जानकारी आपके पास है, किन आधार पर ये जमानत यहाँ पर दी गई है, क्या क्या शर्तें कोर्ट की ओर से रखी गई है और क्या क्या टिप्पणियां कोर्ट की थी? देखिये, ईडी चाहती थी कि स्टे लगाया जाए लेकिन कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया और सीधे उन्हें जमानत दे दिया। अभी जो बात सामने आई है, उन्होंने दो बॉन्ड भरे हैं 50,000 के, उसके बाद ये तय साफ हो पाएगा कि क्या हेमंत सोरेन जो है कितने दिनों की मियाद है, कितने दिनों तक वो बाहर रहेंगे। 3 से 4 महीने जो है विधानसभा चुनाव के हैं, नोटिफिकेशन जारी होने के 3 से 4 महीने हैं, नोटिफिकेशन जारी होगा, चुनाव की तारीखें घोषित होगी चुनाव आयोग द्वारा, तो ये माना जा रहा है कि नवंबर लास्ट वीक से लेकर दिसंबर 3rd वीक तक चुनाव होंगे, 4 से 5 फेजेस में चुनाव होंगे। तो क्या हेमंत सोरेन 4 से 5 फेजेस में जो चुनाव होंगे और कैंपेन होंगे 1 महीने का, तो क्या वो 3 महीने इधर और 1 महीने उधर, यानी 4-5 महीने बाहर रह पाएंगे या उन्हें फिर जो है जेल के अंदर जाना होगा? ये अभी तस्वीरें साफ होगी जब ऑर्डर की कॉपी में तफसील से जो ऑर्डर की कॉपी मिलेगी और तफसील से वो हम जानकारी आपको शेयर करेंगे। फिलहाल जो जानकारी मिली है लैंड स्कैम मामले में, जो हेमंत सोरेन गिरफ्तार हैं और जो है जेल में लगातार बंद थे, 5 महीनों से वो जेल में बंद हैं और अब जब वो जमानत पर बाहर आ रहे हैं तो अभी फिलहाल जो जानकारी मिली है कि उन्होंने 50,000 के दो बॉन्ड भरे हैं और उसके बाद जो है हेमंत सोरेन को एक राहत मिली है कि वो जेल से बाहर आ रहे हैं। अब पार्टी की गतिविधियां हैं या सरकार में जिस तरीके से चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री हैं, वो बार बार जेल में जाते थे और हेमंत सोरेन से बातचीत करने के बाद वो बड़े फैसले लेते थे, तब हेमंत सोरेन जेल के बाहर होंगे। और बेशक अब वो बाहर आ गए हैं तो देखिए अब पार्टी की जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी उसको बेशक यहां पर संभालेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी उनकी ओर से यहां पर की जाएंगी, लेकिन जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला था। एक बार फिर से इस तस्वीर पर गौर फरमाइए, आज की बड़ी तस्वीर जब हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और अभिवादन स्वीकार करते हुए समर्थकों का जेल से बाहर रिहा हुए।